cut into hash brown, multigrain bread with some baked beans, sauteed veggies with some grilled tomatoes. तो शुरू कीजिए. सादी की कमी मुझे बहुत महसूस हो रही है. इसकी यादें तो है ही इस घर में. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूं जिससे मैं सादी की मेमोरी से बॉन्ड कर लूं. थोड़ी सी सादी की सोया मुझे तो याद. मुझे नहीं पता था कि आपको इससे एलर्जी है. आप नहीं सुनो इसकी कोई सुनो. वैसे भी आदतें चेंज कर दीजिए. और एलर्जी पिल्स है ना मुझे. हद कर कर इसलिए मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मण भैया को इस घर और कम. और क्योंकि मैं लक्ष्मण भैया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं चाहता हूँ कि उन्हें इस घर और कम वो स्टेटस दे पाऊँ जो वो डिजर्व. अरे झूठ बोलूँ तो जलेबी फीकी लग रही है इतनी बातों के आगे. वैसे तो तू लक्ष्मण को देख कर चिढ़ता रहता है. आज इतना ज़्यादा प्यार क्यों कर रहा है हा? मतलब बता ना यार जल्दी से बात क्या है. कंट्रोल नहीं हो रहा अभी. अरे हिमेश यार बीच में बोलना बहुत ज़रूरी है क्या? वही तो दादू ये हिमेश जी क्यों भेजो. आई एम सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था. मान लीजिए तुम अपनी बात पूरी करो. दो दिन बाद लक्ष्मण भैया का बर्थडे और मैं चाहता हूँ कि उनके इस जन्मदिन में एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज और उस पार्टी में एक मैं बड़ी अनाउंसमेंट भी करना चाहूँ. ये क्या बात है भाई क्या बात है. दालमिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में रक्षम का आधा सीन होगा. इसका मतलब वो आपका आधा पार्टनर होगा. हाँ मेरे सभी स्टॉक्स में शेयर्स में प्रॉपर्टी में 50% शेयर. वाह ये तो बहुत अच्छा होगा. हाँ. अरे तो फिर उसको नाराज करके क्यों भेज दिया. उसको बताना था ना यहीं पे. नहीं आपने समझे ये बात कोई मुझे बात उनके लिए एक सरप्राइज. पर हाँ सुनो इस पार्टी की तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए ऑफिस से या मुझसे या घर से. परफेक्ट. ये पार्टी आई मेक श्योर कि सबसे बेस्ट होगी. आफ्टर ऑल उज्जैन में काफी टाइम से ऐसी वीआईपी पार्टीज नहीं हुई ना. और मुझे ये भी याद है कि मुझे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और वीआईपीज सबको इनवाइट करना है ना. गाइज आई एम फेनल उमरिगर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर. सीन में ये हो रहा है कि सोनम जो है वो सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है एंड सोनम के लिए डबल खुशी का मौका हो जाता है. आज पहली बला जो है सावी वो इस घर से निकल चुकी है. और जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो ये है कि रक्षम दालमिया को दालमिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में 50% पार्टनरशिप एक पोजिशन मिल गई है. तो सोनम तो हमेशा से चाहती थी कि उसका स्टेटस ऊपर हो जाए और यू नो दालमिया फैमिली में वही राज करे वही बहू बन के रहे. तो दोनों खुशी की बात है एंड सोनम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है. हालांकि फैमिली के सामने वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाती है. फिर वो अपने आप को कंट्रोल करती है कि नहीं मुझे इतनी खुशी नहीं दिखानी इनको. और फिर नित्यम सोनम से कहता है कि रक्षम की बर्थडे आ रही है और उसकी बर्थडे पे मैं ये सरप्राइज़ देना चाहता हूँ. तो मैं ये चाहता हूँ कि बर्थडे की सारी अरेंजमेंट तुम ही करो. तो सोनम खुशी खुशी क्रेडिट कार्ड भी ले लेती है. मतलब उसकी खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं है. हाँ पर एक प्रॉब्लम है डिम्पी जो अभी भी इस घर से गायब नहीं हुई है. अभी उसको कैसे भगाना है ये तो आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा. बट आई फील कि रक्षम की बर्थडे पे कुछ ना कुछ ड्रामा तो होगा. आई फील कि सोनम दालमिया का लुक एकदम जैसे 360 डिग्री टर्न ले लिया है. गोयल सोनम गोयल से सोनम दालमिया बनने का जो सफ़र है सोनम के लिए लुक वाइज तो वो बहुत ही अमेजिंग है. सोनम अपनी साड़ियों से डायमंड ज्वेलरी से बहुत ही ज़्यादा खुश है. उसका सपना फाइनली पूरा हो रहा है कि यू नो मैं ब्रांडेड चीज़ें पहनूंगी मैं डिज़ाइनर साड़ीज़ पहनूंगी. तो और ऑडियंसिस का भी जो रिस्पांस आ रहा है मेरे लुक को लेकर वो काफ़ी अच्छा है एंड आई फील हैप्पी एंड थैंक्स बोलूंगी हमारे क्रिएटिव्स को और जो मेकर्स हैं उनको कि उन्होंने मुझे सोनम दालमिया के लिए इतना अच्छा लुक दिया. थैंक यू. फैंस को बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारा शो देखते रहिए और हमें प्यार देते रहिए. देखिए सावी की सवारी रोज़ 6 बजे कलर्स पर. थैंक यू.